तो भैया तो ये सोच रहे कि कब चले यहाँ से, कब चलूंगी मैं यहाँ से, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। ये भैया पहले बैठ गया, मेरे को खींचने के लिए बोल रहे। ये बाबा, ये डांस खींच। दो बहनों का मिलाप हो रहा दोस्तों। हम लोग बहुत टाइम बाद। दोस्तों ये देखिए इस पागल लड़की को, जहाँ चढ़ना नहीं था वहाँ चढ़ गई है। बोले चला बहुत हो गया। देख रहे हैं आप घोड़े हैं। ऐसा कि मौसम हो चुका है खराब, मैं अब निकल रहा हूँ। ये खाएगी फास्ट फूड, मैं खाऊंगा स्लो फूड। मत कर भाई, संजय भाई की दुकान में हमने प्रवेश कर लिया। तो ये शूट करने फिर से एक, ये मैं हूँ, मेरी बचपन की फोटो, मेरी मम्मी है यहाँ पे, इन्होंने मेरे को बड़ी संभाल के मेरी अगर ये गोल्ड करते मैं चुरा लेती, पर ये तो तेरे को पता गोल्ड को होते कितने बॉडीगार्ड होते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि गोल्ड को होता कम से कम 10,000 का टिकट। भैया गोभी नहीं गोबा डालियो, नमक मिर्च एकदम कम जितना हो सकता है। हाँ ये ब्लैक वाला ज़्यादा डाल। इधर कौन है भैया, इधर। दोस्तों ये जो है अमूल कूल केसर फ्लेवर में है दोस्तों, इसको हम अभी पियेंगे। और ये आरएस 20 बिस्का है। क्या 20 बिस्का है? पता है हमको। हाँ तो मैं दिखा रही ना, मेरे ऑडियंस को सब पता है कितने का। वो पीते खाने पीने वाले लोग है, हमारे तरह नहीं है नंगे वाले। भैया यार क्या मतलब, बेस्ती करने लायक है ही है भाई, तू और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो बारिश हो रही है तेरे फोन में, टाइम क्यों हो रहा और दोस्तों आज मेरा डाटा पूरा बच रखा है। बंदर मिक्स पहाड़ी ब्लॉक का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे पास। इसमें यार एक प्लेट और दे दो, एक प्लेट दो, स्पून दे दो, स्पून प्लेट चलेगा। और तो रोटी खा लेगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जूठी में खा लेगी। आप खा दो मेरा, मैं खा लेगी। ज्यादा लग रही, मिर्ची में नहीं खाते। नहीं आप मेरे को तो घर जानते ही। और सुनाओ तो क्या हो रहा है, चटनी थोड़ी ना खाऊंगी मैं। ये क्या पसीना हो रहा है क्या इतना यार, तो उसमें बैठो ना पंखे के नीचे यार। आप तुम खाई जल लाओ ना यार। लग भी चौंसा के रही है ना, इससे और ज्यादा गंजो जाएंगे। भैया पहुंचोगे 7 बजे तक। मम्मी देखो इंस्टा पे छाए, ओ सॉरी मम्मी खुद खींच गई है ना, मम्मी बहुत चलाते हैं। क्या नहीं खा रहे हो प्लेट? दोस्तों हमने मोमो चाउमीन सपाचट कर लिए, पर टेस्टी लग रही थी। बने थे भैया, कैसे लगे आपको फास्ट फूड? अमेजिंग बहुत। तो भैया को बहुत जल्दी लगी हुई है कि जल्दी चल जल्दी चल, क्योंकि भैया को तो देहरादून जाना है, मुझे तो यहीं रुकना है, तो भैया को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है। तो भैया आपको दूर का नहीं दिखता, लड़की आ रही है दूर से, तो पागल हो रखी है। आपने तो बोला मेरे को दिखता नहीं है कि दूर का, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना बराबर, अब और भी चीजें दिख रही होगी भैया को, एक ही चीज नहीं है। हमने यहाँ अभी तक पार्किंग के पैसे नहीं दिए, अब भैया ये हुआ।
हुआ क्या है तू इनके पास है? खानी है? अरे बुट्टा भैया मेरे को दिखाओ यहाँ से। ये है दोस्तों बुट्टा, जिसको हम बोलते गांव में कुकड़ी। कहाँ से लाए अंकल आपने कुकड़ी? मंडी से। अरे गांव की होती ना फिर। डॉली बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ। चूंकि दोस्तों ये जो अंकल है ये लोकल है, लेकिन जो इन्होंने मोबाइल में गाने चलाए, ये हमारे जनसारी गाने आप देख सुन सकते। कहाँ है मोबाइल आपका? तो इन्होंने जो आवाज़ सुन सकते हैं आप, हमारे जनसारी गाने बज रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देख। देखिए दोस्तों भुट्टा किस तरीके से भुना जा रहा है, भुना जा रहा है, सिक्का हो रहा है दोस्तों। पहाड़ में ऐसे भुना जाता है, ये ट्रेडिशनल तरीका। शहर में जब होते, शहर में आपने मैक्सिमम उबाल के खाए होंगे? नहीं, गैस पे खाए होंगे। ये जो है ना ये पहाड़ में ऐसे भुना जाता है, लकड़ी के जो अंगारे हैं उसके ऊपर। और देखिए इस बुखड़ को, अभी चौमिन मोमो खा के आई है, फिर भी इसको मैं कहाँ खाना बुट्टा? अभी आप भी खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, सामने नहीं खाओगे, पर मैं खाता ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। जबरदस्ती तो कैसे बोल सकते? क्या प्रूफ है तेरे पास कैमरे के बाद खाए? कैमरा चालू रहेगा मतलब चालू। चलो फिर देखते हैं। खाना फिर जल्दी यार, तो बाद में मैं भी सोचता हूँ कुछ हुआ तो। चलो सर, इनका जो तराजू है इसमें ओम जय महासु देवता लिखा है, तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के। तो दोस्तों आपका जो कुर्ती छाड़ी वाला डैम है वहाँ से पानी छोड़ दिखा चल, क्योंकि बरसात में बहुत बारिश होती है, तो ये वही वाला पानी है। इसको यहाँ पे ये यमुना बोलते हैं, वैसे ये टॉस का पानी है, और यहाँ पे फोटोज खींचने के लिए स्पेशली बना है। पहले भी बताया था मैंने यार, क्या करना है? ये तूने क्या कर रहा है? चोट लगी? अभी ठुकी ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे धीरे। आपने ये लोकेशन जो तो ये लोकल है उन्होंने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकता है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है यहाँ की ये वाला रास्ता, मुझे पता नहीं था भाई, अच्छा नहीं आ रहा, चलो वापस। तो हम लोग यहाँ ये सोच के आए थे कि अच्छी बनेगी वीडियो, पर सही है, नॉर्मल सही है। तो फाइनली हम उस लोकेशन पे आए जहाँ मैंने भैया के लिए बोला चलो मुझे फ़ोटो खींचनी है, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। और मैं तो फर्स्ट टाइम विकास नगर घूम रही हूँ, वो भी भैया, मतलब ऐसे तो मैं विकास नगर काफ़ी आई हूँ और बैराज अब घूम रही हूँ, और जब मैं काफ़ी साल पहले बुआ के वहाँ आई थी तब घूमी थी, और अब लास्ट मतलब फर्स्ट ही मेरा तो अभी ये याद है मुझे, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम घूमी हूँ बैराज, मतलब बहुत ही अच्छा वाला लोकेशन है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस पानी में जो नहर में पानी है बिल्कुल भी आवाज नहीं है, इसी वाले पुल में 12-13 में हम लोग कॉलेज के लिए जाया करते थे, यहाँ से बीएड मेरे वहाँ से करानी चली है। कौन सा है? केसरी चंद। हाँ केसरी चंद कॉलेज में दोस्तों हमने बीएड करा हुआ है, तो एक साल हमने इस पुल पे गुजारी है, तो लगभग 6-7 सालों के बाद फिर से आ रहे हैं, वो भी स्पेशली गोली के कहने पर। मतलब आप सुन सकते हो पानी की यहाँ तक आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, जबकि बहुत पानी है, नहर रही है, बहुत गहराई में इस नहर में। तो हम यहाँ से निकलेंगे दोस्तों वापस देहरादून में, तो फिर ख़त्म करते अपना ब्लॉग। देहरादून पहुँचता नहीं है, कहाँ जाए? पीछे से जाता है। कहाँ से? पीछे से। चल फिर, हमारा ब्लॉग कैसा लगा है लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। ओके।